Hello dear students, in this video lecture we are going to discuss higher order linear partial differential linear differential equations with constant coefficients. In previous video lectures we already discussed first order linear differential equations. We discussed some methods just like separation of variable method, homogeneous linear equation, then the exact differential equation, and if the given equation is not exact, then how we can make the given differential equation as exact by multiplying the integrating factor. तो ये सारा वर्क हम लोग कर चुके हैं. अब हमारे पास ऑर्डर चेंज हो रहा है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चल रहा है, उसके बारे में देखते हैं. सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म मे बी से ए नॉट डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन वाई इक्वल टू से सम फंक्शन एफ एक्स. दिस इक्वेशन इज नोन एज द हायर ऑर्डर लीनियर पार्शियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर वैसे कॉन्स्टेंट्स हैं तो ये तो अंडरस्टूड है, ए नॉट शुड बी नॉन जीरो. अब अगर ए नॉट जीरो हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्म हमने ले ली, बट जो यहाँ पर आपको डिस्कशन करना होगा वो नॉर्मली सेकेंड ऑर्डर और बहुत ज़्यादा आपको करना होगा तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सब कर रहे होंगे. सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट है आपकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स. बट इससे इसको स्टार्ट करने से पहले जो यहाँ सोल्यूशन प्रोसेस आएगा उसको मैं प्रीवियसली पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार दोबारा से फिर मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दे. जस्ट लाइक से सपोज फॉर एग्जाम्पल वी हैव अवर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्व टू जीरो. हम इसका सोल्यूशन डिफाइन करना चाहते हैं कि भाई हमें एक ऐसा फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो कैसे निकालते थे. तो हमने पीछे भी इस तरह के एक आध एग्जाम्पल्स किए हैं. लेट वाई इक्व टू ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स इज द सोल्यूशन अब भाई अगर ये इसका सोल्यूशन है देन दिस सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो वी डिफाइन डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज द लैम्डा ई रेस टू द पावर लैम्डा एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्व टू लैम्डा स्क्वायर ई रेस टू द पावर लैम्डा एक्स. देखिए यहाँ पर मैं काफ़ी फास्ट कर रहा हूँ और डायरेक्ट चीज़ों को कर रहा हूँ, मैंने ये रीजन आपको नहीं दिया वाई वी चूज ई रेस टू द पावर लैम्डा एक्स ओनली. इसका मैं वीडियो का मेरे एक जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है उसका लिंक क्या शेयर कर दूंगा और आई बटन के साथ भी अटैच कर दूंगा, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं. तो ये चीज़ें आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएंगी कि वाई वी चूज वाई इक्व टू ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स इज द ओनली सोल्यूशन, हम कोई और फंक्शन क्यों नहीं ले रहे, तो वो आपको वहाँ पर ईजी समझ आ जाएगा. इसको मैंने इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया. सो दिस इज द लैम्डा स्क्वायर ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स माइनस फाइव लैम्डा ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स प्लस सिक्स ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स इज जीरो. सो ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स इज टेकन आउट फ्रॉम होल इक्वेशन, लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव लैम्डा प्लस सिक्स इक्व टू जीरो. अब भाई देखिए यहाँ पर दो फैक्टर्स आ रहे हैं, वन इज दिस वन एंड अदर इज दिस वन, तो ये तो आपका जीरो होने से रहा बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन नो वेयर जीरो ओवर द होल डोमेन. सो वही क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव लैम्डा प्लस सिक्स इक्व टू जीरो. आपको यहाँ पर लैम्डा की वैल्यूज मिल जाएंगी, आई थिंक लैम्डा इज थ्री एंड टू. सो अब आपने क्या लिया था, वाई इक्व टू ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स, यानी एक लैम्डा आपके पास हो गया थ्री एक्स और एक आपको मिल गया ई रेज टू द पावर टू एक्स. तो ये इस तरह से आपको टू डिफरेंट सोल्यूशंस मिल रहे हैं, टू डिफरेंट सोल्यूशंस आपको मिल रहे हैं. सो अगर अब आपसे बात की जाए कि आप इसका जनरल सोल्यूशन डिफाइन करें, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि दीज आर द सेम मे बी द फर्स्ट सोल्यूशन कॉल्ड एज द वाई वन, सेकेंड सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द वाई टू, देन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सोल्यूशन इज अगेन ए सोल्यूशन बिकॉज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर. ओके, सो यहाँ पर हेंस जो जनरल सोल्यूशन जो आपको जनरल सोल्यूशन डिफाइन किया जाता है वो आप डिफाइन कर देते हैं वाई इक्व टू लीनियर कॉम्बिनेशन एल सी ऑफ वाई वन कॉमा वाई टू. ओके,
that is c1y1 plus c2y2, which is the c1 e raised to the power 3x plus c2 e raised to the power 2x. तो इस तरीके से आप सोल्यूशन डिफाइन करते हैं. बेसिकली ये मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि अभी हम जो कुछ फार्मूले टाइप से एक्सप्रेस कर लेते हैं तो वो फार्मूले आते कैसे हैं, वो मेरा मेन यहाँ पर मोटिव था इसको एक्सप्रेस करने का. ओके, सो अब हम यहाँ पर कुछ नोट डाउन कर लेते हैं फार्मूलेज टाइप से. ओके नाउ, सो हमें यहाँ पर जनरल सोल्यूशन डिफाइन करना है. द जनरल सोल्यूशन ऑफ मे बी इक्वेशन नंबर 1, हम इसको 1 कॉल कर लेते हैं. ओके, द जनरल सोल्यूशन ऑफ 1 इज ऑफ द फॉर्म, क्या होता है भाई, एक आता है आपका सी एफ और एक आता है आपका पी आई. तो ये जनरल सोल्यूशन आपको मिल गया वाई विच इज द सी एफ एंड दिस इज द पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब ये क्या होता है, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस पार्ट, सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस पार्ट मीन्स जैसे हमारे पास इक्वेशन बन में हमने राइट साइड में एफ एक्स रखा है, जब एफ एक्स अवेलेबल आपके पास प्रेजेंट ना हो तो ये सोल्यूशन आपके पास होमोजीनियस पार्ट से डिफाइंड हो रहा है. जो मैंने प्रीवियसली अभी एक एग्जांपल में किया, दिस इज द ओनली सी एफ पार्ट. और ये जो आपके पास राइट साइड में फंक्शंस आ रहा है, सो दिस इज नोन एज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल. और ये आपको उस राइट फंक्शन से ही डिफाइंड होगा. ओके, सो अब हम कुछ यहाँ पर कुछ फॉर्म्स ले लेते हैं. ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पर आपने ये इक्वेशन जो नोट डाउन की थी, दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज नोन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज द ऑक्सिलरी. तो ये कैसे आती है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर इस एग्जांपल के थ्रू थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. तो ये आप यहाँ पर इजीली समझ पा रहे होंगे कि आपने, अगर हो सकता है जिन लोगों ने ऑलरेडी 10+2 लेवल पर इस तरह का कुछ एक दो क्वेश्चंस किए भी होंगे, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं. आई होप जिन लोगों ने अगर डायरेक्ट किया होगा देन उनके लिए बोल रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं देन वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वहाँ पर वो आप डायरेक्ट नहीं मिलती है, वो इस तरीके से आपको ये जो फॉर्म है उसके थ्रू आपको ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलती है. तो अब हम इसी तरीके की एक ऑक्सिलरी इक्वेशन से अपना जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको डिफाइन करते हैं. ओके, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1, दिस इज रिटन एज, सॉरी इट्स नॉट एफ, इसको हम कुछ ऑपरेटर को नाम दे देते हैं. से दिस साइड ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ, कैपिटल एफ. ओके, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एफ, दिस इज द ऑपरेटर. ओके, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हमने दे दिया कैपिटल एफ. देन ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 शुड बी कैपिटल एफ लैम्डा इज 0. अब ये लैम्डा कहाँ से आ रहा है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है. तो ये इक्वेशन किस तरीके की मिल गई थी वो आप यहाँ पर इजीली नोट डाउन कर सकते हैं. दिस इज ए नॉट लैम्डा रेज टू द पावर एन प्लस ए वन लैम्डा रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए एन लैम्डा एन, ए एन लैम्डा एन इक्वल टू 0. अब यहाँ पर रूट्स, भाई इसके रूट्स हम कॉल कर लेते हैं. मे बी दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 2, मे बी 1 इज लैम्डा 1, सेकेंड इज लैम्डा 2 एंड सो ऑन. इसी तरीके से आपको लैम्डा एन रूट्स मिल गए. तो अब ये लैम्डा आपके पास हैं भाई, आपको नहीं पता है कि दीज आर द रियल, दीज आर द डिस्टिंक्ट, दीज आर द कॉम्प्लेक्स और रिपीटेड. तो यही सारी केसेस अब हम यहाँ पर लेकर चलते हैं. सो केस 1, व्हेन ऑल लैम्डा आईज लैम्डा आईज सॉरी
sorry sorry it's represented just like that. Lambda i's are distinct and real. Then जो सी एफ आपका है, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में ऑलरेडी सॉल्व किया है. दिस वन गिवन एज सी वन ई रेज टू द पावर लैम्डा 1x प्लस सी टू ई रेज टू द पावर लैम्डा 2x प्लस एंड सो ऑन सी एन ई रेज टू द पावर लैम्डा एन एक्स. ओके, तो ये आपके पास सी एफ हो गया. इसी तरीके से केस सेकेंड, सपोज भाई कुछ हमारे पास जो रूट्स हैं वो रिपीटेड है. सपोज फर्स्ट m रूट्स आर रिपीटेड, m रूट्स आर रिपीटेड, देन द सी एफ इज गिवन एज सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस एंड सो ऑन सी एम x raised to the power m minus 1 e raised to the power lambda x, maybe this lambda 1 equals to lambda 2 equals to and so on lambda m equals to lambda, so lambda x ho gaya plus, ab aapke paas m ke baad lambda m plus 1 e raised to the power, sorry it's not lambda, it's c m plus 1 e raised to the power lambda m plus 1x plus and so on सी एन ई रेज टू द पावर लैम्डा एन एक्स. तो इस तरह से आप डिफाइन कर देते हैं. अब यहाँ पर भी देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट अगेन पॉइंट आ जाता है कि हमने सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से हमने ये एक्स के मल्टीप्लायर्स क्यों दिए. तो बेसिकली जो लीनियर कॉम्बिनेशन आप डिफाइन करते हैं, दीज आर डिफाइंड फॉर द लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस. तो जो आपके सोल्यूशंस हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशंस को आप डिफाइन कर रहे होते हैं एज ए सोल्यूशन. तो यहाँ पर अगर ई रेज़ टू द पावर लैम्डा एक्स हम एम टाइम्स कंसीडर कर लेते हैं, सो दिस एम टाइम्स दिस सोल्यूशन इज नॉट अ लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो अब हमें ई रेज़ टू द पावर लैम्डा एक्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाना है फॉर एम आइगन वैल्यू. तो उसमें हम क्या करते जाते हैं कि हमने एक एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ई रेज़ टू द पावर लैम्डा एक्स एंड एक्स ई रेज़ टू द पावर लैम्डा एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये दो बन गए हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट. थर्ड इंट्रोड्यूस करना तो उसकी एक पावर और बढ़ा दी. तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं कि इन सोल्यूशंस को जो हमारे पास वाई वन वाई टू वाई थ्री अप टू वाई एन जितने सोल्यूशंस हैं दीज आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो ये एक्स आप मल्टीप्लाई करते हैं टू मेक योर सोल्यूशन एज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज केस थर्ड. सपोज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, सपोज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. अब देखिए यहां पर m हमारे पास n रूट्स मिलेंगे, लैम्डा n तक हमने nth ऑर्डर लिए, लेकिन बट हम यहां पर सिर्फ आपके एक पेयर से ही इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, आर रूट्स सॉरी सपोज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, मे बी से अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा. ओके, देन सी एफ दिस इज ई रेज टू द रियल पार्ट आपका सेपरेट हो जाता है एंड इमेजिनरी पार्ट आपके पास साइन एंड कोसाइन फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन कर दिया जाता है. कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स. अब देखिए यहाँ पर भी ये अलग आपको कोई तरीका नहीं है, ये भी सेम वही पैटर्न है. ई रेज टू द पावर आप इसको एक्सप्रेस करेंगे, फिर आयोटा बीटा आपके पास आएगा, उसको आप ये एक्सप्रेस कर रहे हैं बेसिकली कॉस बीटा एंड साइन बीटा की फॉर्म में. तो ये भी आपको ध्यान रहे कि ये अलग से आपको नहीं मिलता है ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स टर्म आई बीटा, ये आप इस तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज केस फोर. व्हेन रूट्स आर ऑफ द फॉर्म ऑफ द सर्ट्स, व्हेन रूट्स आर इन द फॉर्म ऑफ आर इन द फॉर्म ऑफ सर्ट्स. ओके, सो सपोज दिस इज अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, बट बीटा इज नॉट बी ग्रेटर देन जीरो बिकॉज दिस बीटा इफ इट इज नॉट जीरो
सॉरी इट इज़ नॉट ग्रेटर देन जीरो देन इट बिकम्स इमेजिनरी। सो इस केस में भी सोल्यूशन आप इसी तरीके से सी एफ डिफाइन कर देते ई रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स, एंड अब यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स नहीं आता, यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शंस आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ बीटा एक्स। तो इस तरीके से आप इनको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं ऑक्जिलरी इक्वेशंस और इन सब के लिए तो बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि कुछ आपको कराऊँ, ओके। बट हम अपना एक जो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर इसको आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को भी डिस्कस कर लें, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। सो अब हमारे पास केस है फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स हमने ऑलरेडी एफ डी वहाँ पर डिफाइन कर लिया है ऑपरेटर, ओके। तो उसके थ्रू ही हम यहाँ पर ये चीज़ें डिफाइन करेंगे। सो नंबर वन, हमारे पास सपोज जो एफ एक्स है इज ऑफ द फॉर्म ई रेज टू द पावर एक्स, अगर मान लो इस तरह का आ जाए, देन हमें पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे मिलेगा, वन ओवर एफ डी एफ डी की जगह पे ए रख दिया, ई रेज टू द पावर ए एक्स, प्रोवाइडेड एफ ए शुड बी नॉन जीरो। तो एक एग्जांपल अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल्स और जो हमारे पास सी एफ हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो सारे हम यहां पर कर सकते हैं। सो पहला एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सपोज वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन वाई इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर टू एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्जिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। अब देखिए पूरा प्रोसेस तो अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, तो आप इसको शॉर्ट में करते रहें। ऑक्जिलरी इक्वेशन क्या होगी, लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से लैम्डा आप निकाल सकते हैं विच इज द माइनस वन, और ये कितनी बार आएगा, ट्वाइस। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स टू वन इज ए रिपीटेड रूट, सो सी एफ इज रिटन एज सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। ये एक्स को मल्टीप्लाई किया, अगेन मैं यहाँ पर आपको अगेन फिर बोल दूँ कि हम इसमें ई रेज टू द पावर माइनस एक्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। अगर हम टू टाइम्स रिपीट करके लिखेंगे देन दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट। सो अगर जब हमने एक्स मल्टीप्लाई कर लिया देन इट बिकम लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर आप लोग चाहें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। हमारे पास देखिए पहला सोल्यूशन होगा ई रेज टू द पावर माइनस एक्स और दूसरा हो गया एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। इनको आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। यू कैन फाइंड द रॉन्सकियन, ये बाई वन मान लो, इसको बाई टू मान लो, आप बाई वन बाई टू नोट करना, बाई वन डैश बाई टू डैश नोट करना, एंड अब आपको लेके क्या आना है, सो दैट दिस रॉन्सकियन शुड बी नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो आ गए देन योर फंक्शंस यानी मीन सॉल्यूशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज दीज आर द लीनियरली डिपेंडेंट। तो आपको ये डेफिनेटली यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल जाएंगे ना। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई विच इज वन ओवर डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन ई रेज टू द पावर टू एक्स। हम यहाँ पर d की जगह पे इसको पुट करके देख लेते हैं, क्या ये जीरो तो नहीं बन रहा है, प्लस टू इंटू टू प्लस वन, ये हो गया टू टू या फोर, फोर एट वन नाइन, सो आई थिंक दिस इज वन ओवर नाइन ई रेज टू द पावर टू एक्स। हैंस अब हम जनरल सोल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं, हैंस द जनरल सोल्यूशन y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपके पास कितना था, c1 वन प्लस सी टू एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन ओवर नाइन ई रेज टू द पावर टू एक्स। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर कुछ फार्मूलेज ही लिख देता हूँ, और बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस आपके बड़े इजीली हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर ही हमारा सेकंड केस था, इफ एफ ऑफ ए शुड बी जीरो देन पी आई एच वन अपॉन डी माइनस ए रेज टू द पावर सपोज आर ई रेज टू द पावर ए एक्स है, दिस कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू द पावर आर ओवर फैक्टोरियल आर ई रेज टू द पावर ए एक्स, एक्स रेज टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर ई रेज टू द पावर ए एक्स। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास में जब जीरो हो रहा हो, एफ डी आपका कितना हो रहा हो, जीरो हो रहा। अच्छा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ केवल पीआई का, तो आप इसको कम से कम अप्लाई करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं छोटी छोटे एग्जांपल्स आपको इस तरह से ही डिफाइन कर देता हूँ। सपोज वी हैव अ डिनोमिनेटर डी माइनस वन स्क्वायर डी माइनस टू एंड वी हैव द फंक्शन ई रेज टू द पावर एक्स। अब देखिए आप जैसे इसमें पुट करेंगे आपके एफडी कितना हो गया, हम अलग इसको नोट कर लेते हैं। एफडी है आपके पास डी माइनस वन होल स्क्वायर डी माइनस टू, आपके पास ए कितना है, वन है, आपने इसके अंदर पुट किया तो ये वन माइनस वन तो ये तो आपका जीरो हो गया। तो बेसिकली इसी के लिए आपने वो फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। ये पावर जितनी होगी उतना ही आपको एक्स रे टू द पावर्स में मिल जाएगा ये वैल्यू, और इसमें आपके रिजल्ट यूज हो जाएगा, इसके अंदर आपका रिजल्ट यूज हो जाएगा केवल। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इसमें d को बंद रखेंगे तो माइनस मिल जाएगा आपको, तो ये हो गया माइनस, और इसके अंदर आपको कितना मिल गया, x रेज टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 e रेज टू द पावर x, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मान लेते हैं, अब हम अगला फंक्शन लेके चलते हैं, व्हेन नंबर 2, सॉरी नंबर 2, व्हेन एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स इज कॉस ए एक्स और साइन ए एक्स देन रिप्लेस डी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर प्रोवाइडेड कैपिटल एफ माइनस ए स्क्वायर शुड बी नॉन जीरो, ठीक है। तो एक यहाँ पर हम एग्जांपल लेकर इसको देख लेते हैं कैसे होता है भाई ये, ठीक। सो फॉर एग्जांपल दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को ही केवल यहाँ पर हम इवेल्युएट कर रहे हैं, वन ओवर डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन कॉस थ्री एक्स सपोज। तो यहाँ पर जरा रिप्लेस करके देखते हैं, वन अपॉन माइनस नाइन माइनस टू डी प्लस वन कॉस ऑफ थ्री एक्स, दिस इज माइनस वन अपॉन टू टाइम्स डी प्लस फोर कॉस ऑफ थ्री एक्स। अब भाई ये तो अभी अप्लाई हो नहीं सकता है, तो इसका क्या कर लें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी माइनस फोर अपॉन डी स्क्वायर माइनस सिक्सटीन विद द नेगेटिव, विद द नेगेटिव, और ये कितना है कॉस थ्री एक्स। तो इसको अगेन अप्लाई करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा डी माइनस फोर अपॉन माइनस नाइन माइनस सिक्सटीन कॉस ऑफ थ्री एक्स। अब ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस वन अपॉन ट्वेंटी फाइव डी माइनस फोर कॉस ऑफ थ्री एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर लो और अंदर शिफ्ट कर दो, वन ओवर ट्वेंटी फाइव माइनस साइन ऑफ थ्री एक्स, थ्री थ्री साइन ऑफ थ्री एक्स माइनस फोर कॉस ऑफ थ्री एक्स। तो इस तरीके से आपको ये यही मिल गया, ओ सॉरी आई थिंक टू इज लेफ्ट सो मल्टीप्लाइड विद बाई टू सो इट्स वैल्यू इज 50, ओके, वन ओवर 50।
अब यहाँ पर भी अगेन एक केस आपके पास हो सकता है, इफ कैपिटल एफ माइनस ए स्क्वायर इज जीरो, देन तब आप क्या करेंगे भाई, अब आपका एज इट इज चलना है वन ओवर एफ डी, ठीक है, वन ओवर एफ डी, और यहाँ से आपको लिखना ई रेज टू द पावर आयोटा ए एक्स। अब इसमें आपके दो केसेस आएंगे, इसमें आपके दो केसेस होंगे, फॉर कॉस ए एक्स मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉस ए एक्स, अगर आपको पी आई निकालना है तो पी आई आपका हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ दिस क्वांटिटी एफ डी अपॉन ई रेज टू द पावर आयोटा ए एक्स। अगर आपको यहाँ पर ये साइन ए एक्स के लिए करना है तो आपका पी आई हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन ओवर डी एफ टी ई रेज टू द पावर आयोटा ए एक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे। अब एक लास्ट, इसमें मैं ज़्यादा शॉर्ट में कराने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो आपका बहुत लेंथी ना हो, मैं अलग से क्वेश्चंस कुछ और फिर मिक्सअप करके आपको सॉल्व करा दूँगा। ओके, सो थर्ड वन इज, अब आपका जो एफ एक्स है वो सिर्फ आपका एल्जेब्रिक फंक्शंस होता है, देन पी आई इज कैसे निकालते हैं, तो इसको हम करते हैं एक्सपेंड एफ डी बाई बाइनोमियल एक्सप्रेशन, सॉरी एक्सपेंशन नॉट एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन इन असेंडिंग पावर ऑफ डी, इन असेंडिंग पावर ऑफ डी। तो देखते हैं भाई एक एग्जांपल, सपोज हमारे पास इक्वेशन ही दे रखी है, सपोज डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका सी एफ निकालते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ऑक्सिलरी इक्वेशन, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस सिक्स लैम्डा इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पर फैक्टोराइज करिए, लैम्डा इज टेकन आउट, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, लैम्डा इक्व टू एक तो जीरो, एक लैम्डा इक्व टू माइनस माइनस थ्री और प्लस थ्री, अगर माइनस थ्री लेते हैं एंड लैम्डा इक्व टू टू तो ये हाँ ठीक है, इट्स माइनस थ्री एंड टू। ओके, बाकी आप इसको चेक करके देख लीजिए, सिक्स के फैक्टर्स करते हैं तो थ्री टू, इसको सेपरेट करने पे वन आ जाए, थ्री माइनस टू, सॉरी थ्री माइनस टू, ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा। ओके, थ्री माइनस टू तो ये प्लस आएगा ये माइनस होगा। ओके, सो ये वैल्यूज आ गई, हैंस सी एफ एच। अब इसका देखिए, सी वन ई रेज टू द पावर जीरो एक्स प्लस सी टू e रेज टू द पावर थ्री एक्स प्लस सी थ्री ई रेज टू द पावर माइनस टू एक्स, ये आपका ऑक्सिलरी फंक्शन सॉरी सी एफ आ गया। अब आपको निकालना क्या है, पी आई, पी आई कितना होगा वन ओवर डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आपने क्या किया, असेंडिंग पावर ऑफ डी में आपको एक्सप्रेस करना है थ्रू द बाइनोमियल, तो यहाँ पर जो भी मिनिमम पावर आपकी हो, जो भी मिनिमम पावर वाला टर्म हो उसको आप टेक आउट कर लीजिए। तो हमने क्या किया, माइनस सिक्स डी को यहाँ से टेक कर लिया, तो ये हो गया डी क्यूब अपॉन सिक्स डी, ठीक है, विद नेगेटिव।
फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये हो गया डी स्क्वायर अपॉन सिक्स डी, और ये आ गया प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज फंक्शन चल रहा है, तो ये हो गया वन अपॉन माइनस सिक्स डी, इसको हमने लिख लिया वन प्लस, ठीक है। और बाकी का सारा डी अपॉन सिक्स माइनस डी स्क्वायर अपॉन सिक्स, ये अलग कर दिया, टू दी पावर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्सपोनेंशियल, सॉरी बाइनोमियल बोला है तो बाइनोमियल यहाँ पर लगा दीजिए, माइनस वन ओवर सिक्स डी, इस पर बाइनोमियल लगाएंगे तो वन प्लस ये पावर आपकी पहले आएगी तो प्लस की जगह आ गया माइनस, ये हो गया डी बाई सिक्स माइनस डी स्क्वायर बाई सिक्स, ठीक है। प्लस में अभी और भी टर्म आएंगे हम अगले, अच्छा लिख लेते हैं थोड़े टर्म एक और लिख लूँ, प्लस ये आ जाएगा डी वाई सिक्स माइनस डी स्क्वायर वाई सिक्स, और ये तब तक आपको लिखने हैं जब तक आपका जो फंक्शन है वो वैनिस ना हो जाए, तब तक के लिए आपको ये लिखनी है। ये हो गया माइनस वन ओवर सिक्स डी, इसको एक्सपेंड कर लिया, ये हो गया वन माइनस डी वाई सिक्स प्लस डी स्क्वायर वाई सिक्स, यहाँ पर इसको एक्सपेंड किया प्लस, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई थर्टी सिक्स, ठीक है। और इसके बाद हायर टर्म्स आ जाएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन ही है तो उसमें काम चल जाएगा, तो ये हो गया माइनस वन ओवर सिक्स डी, इस पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, इसमें माइनस का वन बाई सिक्स टाइम्स ऑफ टू एक्स, यहाँ पर प्लस टू ओवर सिक्स प्लस टू ओवर थर्टी सिक्स, और तो कुछ आएगा नहीं, बाकी सारा जीरो। ये आप फाइनली जब सॉल्व कर लेते हैं देन इट कम्स, एंड यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है तो ये हो गया माइनस वन ओवर सिक्स, ये जो वन अपॉन डी है इससे इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये आ गया एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सॉरी इट्स नॉट प्लस, अच्छा ये वन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, हाँ ये प्लस वन वाला तो प्लस एक्स आ गया, ओके हाँ ये आ गया टू एक्स अपॉन सिक्स, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स, प्लस वन वाले का भी एक्स लिख लो प्लस एक्स माइनस प्लस टू बाई सिक्स एक्स प्लस टू बाई थर्टी सिक्स एक्स, तो ये फाइनली आया, इसको हम फाइनल लिख सकते हैं माइनस वन बाई सिक्स एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिक्स प्लस ट्वेंटी फाइव बाई एटीन एक्स, तो ये आपको पी आई मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन, हेंस जनरल सोल्यूशन y कैन बी रिटन एज सी एफ प्लस पी आई, सी एफ आपके पास कितना आया सी वन प्लस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस थ्री एक्स प्लस सी थ्री ई रेज टू द पावर टू एक्स, और पी आई कितना है माइनस वन अपॉन सिक्स एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिक्स प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स अपॉन एट्टीन, तो ये आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेंगे, ओके। और एक अभी एक फार्मूला और बचा है उसको मैं अभी बता दूं, लेकिन उसमें हमें क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है तो वो इजीली हम देख सकते हैं। दिस वन इज सिंपल जनरल रूल, यू कैन से दैट द जनरल रूल, दिस वन इज वन अपॉन एफ डी, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस आ जाए तो आप कैसे इसको करेंगे, सच एज ई रेज टू द पावर ए एक्स इन टू वी, वी इज एनी फंक्शन अदर देन दिस एक्सपोनेंशियल, ओके। तो आप इसमें क्या करेंगे, ई रेज टू द पावर ए एक्स को टेक आउट कर लीजिए, वन अपॉन एफ डी को रिप्लेस कर दीजिए डी प्लस ए से, और फिर बी के साथ ऑपरेट कर लेंगे, आइदर बी इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोसाइन और बी इज द सेम ए बी द एलजेब्रिक फंक्शन एक्स रेज टू द पावर्स, तो उनको हम जो प्रीवियसली हमारे नोन प्रोसीजर्स हैं उनके थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं एक शॉर्ट वीडियो और अपनी क्रिएट कर दूंगा जिसमें कुछ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए जाएं, ठीक है।
तो आप उसको भी फॉलो कर लेना। आई होप वो भी आपको कल या परसों में, मीन्स ये वीडियो के नेक्स्ट डे ही आपको मिल जाना चाहिए।